रूरल सोसाइटी पाकिस्तानी सोसाइटी की टाइप्स में से एक रूरल सोसाइटी की भी हमने बात की रूरल सोसाइटी पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ़ विलेजेस रूरल सोसाइटी की जहाँ पे हम बात करें तो डेफिनेटली हम बात कर रहे होते हैं विलेजेस की और पाकिस्तान में पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ विलेज द मेन ऑक्योपेशन इन पाकिस्तान इज़ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोर्न है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा पाकिस्तान और हमारी जो सोसाइटी है और रूरल uh, सोसाइटी वो हंड्रेड परसेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है लेकिन कुछ लोग उसमें अदर आकोपेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उसको भी हम लोग एग्रीकल्चर का सब आकोपेशन ही काउंट करते हैं जैसे लाइव स्टॉक में लोग इन्वॉल्व हो गए उन्होंने फॉर्म uh, बना लिए डेरी फॉर्म बना लिए मीट के लिए फॉर्म बना लिए और फिशिंग वाली साइड पे लोग चले जाते हैं फ़िश फॉर्म बनाए बनाए जाते हैं ये भी रूरल सोसाइटी में तो ये सारे भी एग्रीकल्चर में ही कंसिडर किए जाते हैं मेजॉरिटी पापुलेशन पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का आलमोस्ट सिक्सटी वन परसेंट जो पॉपुलेशन है हमारी वो रूरल सेटलमेंट में रहती है। अब रूरल सेटलमेंट में जो पॉपुलेशन हमारी रहती है इट डजेंट मीन कि वो हंड्रेड परसेंट लोग एग्रीकल्चर बिजनेस से ही लिंक्ड कर रहे हैं वहाँ पर कोई नॉन फॉर्म फैमिलीज़ भी रहती हैं जो एग्रीकल्चर से लिंक नहीं करते जैसे वो मे बी लाइफ स्टॉक से के साथ लिंक कर रहे होंबी वो फिशिंग प्रोफेशन के साथ लिंक कर रहे हैं या हो सकता है कि वो लोग जॉब्स uh, के हवाले से लिंक कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर से उनका कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उनकी सेटलमेंट रूरल है प्री हिस्टोरिक uh, जब हम चले जाएँ तब भी जो रूरल सोसाइटीज़ हैं उसमें जो विलेजेस हैं रूरल सोसाइटी ये बड़ा मेन इंपॉर्टेंट यूनिट रहा है हमारी सोसाइटी का पाकिस्तानी क्या है कुछ फैमिलीज स्पेसिफिक फैमिलीज थोड़ी पॉपुलेशन की फैमिलीज एक जगह पे जो रह रही हैं उसको हम विलेज कहते हैं विलेज बेसिकली एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी होता है ये इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है विलेज की वो विलेज लेवल तक होती है तो विलेज हैज़ इट्स ऑन ऑफिशियल एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन्स मोस्टली जो प्रॉब्लम्स विलेज में राइज़ होती हैं वो विलेज लेवल पे ही सॉल्व हो जाती हैं अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं विलेज पे सॉल्व हो गए हैं किसी ने कोई पैसे लेन देन का मसला है वो विलेज पे सॉल्व हो गया तो विलेज की इंडिविजुअल लेवल की अपने लेवल की छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अपने ही ऑफिशल्स होते हैं चीज़ों को वो विद इन अ विलेज सेटल करते हैं पॉपुलेशन पहले भी बात हुई कि डेंसली पापुलेशन होती है जो कि ज़्यादातर एम्फेसिस उनका एग्रीकल्चर प्रोफेशन पे होता है सिंपलिसिटी है कल्चर विलेज का सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न एंड अर्बन सोसाइटी विलेज का कल्चर बहुत सिंपल और नेचुरल इन्वायरमेंट पर बेस कर रहा होता है होमोजेनिटी प्रोफेशन में होमोजेनिटी पाई जाती है विलेज़स में रूरल सोसाइटी में प्रोफेशन में होमोजेनिटी पाई जाती है लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व हैं जो एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व नहीं है वो भी किसी ना किसी एग्री प्रोडक्ट के साथ जरूर इन्वॉल्व होंगे सोशल चेंज स्लो होती है उसकी रीज़न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्लो होते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिमिटेड होते हैं और कम्युनिकेशन के मीन्स लिमिटेड होने से सोशल चेंज स्लो ही आएगी हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी में कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत फास्ट हैं हम एक क्लिक पे फौरन से अमेरिका में इस वक्त क्या हो रहा है अमेरिका में इस वक्त क्या ड्रेस पैटर्न चल रहा है क्या वहाँ पे रेट्स चल रहे हैं क्या गोल्ड का रेट क्या चल रहा है पेट्रोल का क्या रेट है विद इन वन सेकेंड वन क्लिक पे हमारे पास मौजूद है जबकि रूरल सोसाइटी में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लिमिटेड होने की वजह से उसमें वो सोशल चेंज स्लो है और ग्रेजुअल है रूरल सोशल स्ट्रक्चर रूरल सोसाइटी की जब बात की और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की तो वहां पे रूरल सोशल स्ट्रक्चर की भी बात करना जरूरी है अब सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है ये कंप्रीहेंसिव सोशल सिस्टम है दैट डिटर्मन एंड डिक्टेट बिहेवियर दैट इज स्पेसिफिक टू देयर मेंबर्स रूरल सोशल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द सेंट्रल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इन रूरल सोशोलॉजी पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स

आफत आ जाती है नेचुरल डिजास्टर uh, हो जाता है फसलें ख़राब हो जाती हैं तो उसके क्या अरेंजमेंट्स हैं तो रूरल जैसे बात की कि रूरल सोसाइटी का अपना ऑफिशियल्स और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो ये सोशल स्ट्रक्चर भी रूरल सोसाइटी में एक कम्प्रीहसिव सिस्टम uh, पाया जाता है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है ह्यूमन वर्ल्ड इज़ कंपोज ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद वन एंड अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स the specific component of rural social structure are family kinship caste class and village